वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ऑर्डर व्हिस्की लाइक अ प्रो, लाइक अ बॉस। जब भी आप बार में जाते हैं, व्हिस्कीज को ऑर्डर करते हैं, तब कुछ कूल स्टाइल होते हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। कुछ तो आप जानते हैं, जैसे कि जब भी आप व्हिस्कीज ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं ना ऑन द रॉक्स, बोलते हैं ना नीट। ऑन द रॉक्स और नीट के बारे में तो आपको मालूम है, नीट मतलब रॉ व्हिस्की, ऑन द रॉक्स मतलब लॉट्स ऑफ आइस एंड व्हिस्की। बट क्या आपको मालूम है कि व्हाट इज एट द बैक? स्ट्रेट, ड्रम, इंडियन नेशनल हाईबॉल, ये सब जो टर्म्स है ना, आप नोटिस करेंगे बार में बहुत बार आपके बगल वाले जो कस्टमर है वो ऑर्डर दे रहा है। ये ना काफी कूल लगता है, साथ साथ बार्टेंडर को भी तुरंत पता चल जाता है कि आपको चाहिए क्या। अगर इसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इन कूल वर्ड्स को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं और कौन सी व्हिस्कीज को आप ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए, व्हिस्की का बहुत सारा अलग अलग क्वालिटी एंड वैरायटी में उपलब्ध है, और उनमें से कौन सी है आपकी चॉइस की व्हिस्की, उसको ढूंढ के निकालना और उसके बाद उसमें सोडा, पानी, कोक, जूस, जो भी आपको मन करे मिलाना, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेंगे, मैक्सिमम एंजॉयमेंट मिलेंगे जब भी पियेंगे। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उन कूल फीचर्स के बारे में जानेंगे। ज्यादातर स्कॉच व्हिस्की को बनाया जाता है माल्टेड बार्ली से, एंड दे आर नॉर्मली डिस्टिल्ड टू वाइज, दो बार उसको डिस्टिल किया जाते हैं, एंड एज किया जाता है व्हाइट ओक बैरल में एटलीस्ट 3 ईयर्स। एंड स्कॉच व्हिस्की में पीट को बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, ज्यादातर व्हिस्की में माल्टिंग प्रोसेस के दौरान, और उन टाइम पे स्कॉच व्हिस्की जो है ना एक स्मोकी नेचर के साथ आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप स्कॉच व्हिस्की को ऑर्डर करते हैं, मोस्टली वो स्मोकी नेचर के साथ आता है। अगर आपको स्मोकी नेचर्ड व्हिस्की पसंद है, आपको लाइट स्पाइस एंड बैलेंस्ड व्हिस्की पसंद है, तब जाके आपको स्कॉच व्हिस्की ऑर्डर करना चाहिए। तब आपको क्या मिलाना है, मोस्टली आपको नीट पीना है, ऑन द रॉक्स आप पी सकते हैं, या डैश ऑफ वाटर के साथ आप इन सब व्हिस्कीज को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, आयरिश व्हिस्की। जी हाँ, ये व्हिस्की भी काफी वर्सेटाइल है। आयरिश व्हिस्की इज फेमस फॉर इट्स क्लीन एंड स्मूथ टेस्ट। आयरिश व्हिस्की को 3 टाइम डिस्टिल किए जाते हैं, मैंडेटरी है, जिसके कारण आयरिश व्हिस्की काफी लाइट कैरेक्टर के साथ आते हैं एंड काफी स्मूथ एंड क्लीन होते हैं। एंड आयरिश व्हिस्की को बनाया जाता है माल्टेड एंड अनमाल्टेड बार्ली से। माल्टेड बार्ली जो है उसमें पीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसलिए आयरिश व्हिस्की में वो स्मोकी कैरेक्टर अक्सर होते ही नहीं है। आपको वुडी कैरेक्टर मिलेगा बट स्मोकी नहीं मिलेगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। एंड इस व्हिस्की को भी 3 साल और उससे ज्यादा वुडन कास्क में, वुडन बैरल में मैच्योर किए जाते हैं। तो जब भी आपको यह आयरिश व्हिस्की ऑर्डर कीजिएगा, तो आप एक चंक ऑफ आइस व्हिस्की में डाल के पी सकते हैं, जो आपको काफी रिफ्रेशिंग टेस्ट देगा। आप नीट पी सकते हैं, साथ साथ डैश ऑफ वाटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक व्हिस्की है, वह है अमेरिकन व्हिस्की, और ये जो कैटेगरी है ये ह्यूज है। उनमें से 2 स्पेशल व्हिस्कीज का नाम मैं बताऊंगा, एक है बर्बन और एक है टेनेसी व्हिस्की। ये जो बर्बन एंड टेनेसी व्हिस्की है, इन सब व्हिस्की को नॉर्मली एज किया जाता है न्यू चार्ट ओक बैरल में। जी हाँ, फ्रेश चार्ट ओक बैरल में। एंड साथ साथ इन सब व्हिस्कीज को बनाने के लिए मैक्सिमम टाइम 51% से भी ज्यादा कॉर्न को इस्तेमाल करते हैं, मकई को इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण ये जो व्हिस्की है ना, ये काफ़ी स्वीट कैरेक्टर के साथ आते हैं। इसमें मेलोनेस बहुत अच्छे रहते हैं, साथ साथ इसमें हिंट ऑफ स्पाइसेस भी रहते हैं। अगर आपका पैलेट थोड़ा स्वीट है, आप स्वीट व्हिस्की पसंद करते हैं, तो आँख बंद कर आप अमेरिकन व्हिस्की के साथ जा सकते हैं। आपको क्या मिलाना होगा, बहुत सिंपल है। अमेरिकन व्हिस्की में आप कोक के साथ पी सकते हैं, जी हाँ, नीट भी पी सकते हैं, इवन विथ वाटर भी पी सकते हैं। अब फाइनली एक व्हिस्की का नाम नहीं बताऊंगा तो बहुत अधूरा रह जाएगा, वह है स्पाइसी व्हिस्की। जी हाँ, ये भी अमेरिका में मिलते हैं, राई व्हिस्की। राई को 100% राई से बनाया जाते हैं, इसलिए ये व्हिस्की काफ़ी स्पाइसी कैरेक्टर के साथ आते हैं। अगर आपका पैलेट स्पाइसी है तो आप राई व्हिस्की को भी चुन सकते हैं, और उसके साथ बहुत कॉमन है सिंपल वाटर।
फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया अलग अलग कैटेगरी का व्हिस्की और उसमें क्या मिक्स करना चाहिए। अब आता है वो कूल सब्जेक्ट जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको ऑर्डर करना है लाइका प्रो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको ऑर्डर करना है नीट, तो फिर क्या होगा, एक बार्टेंडर को बोलिएगा नीट व्हिस्की 60 या 30 कुछ भी हो सकता है, तो मैं 60 पोर करूँगा। ये ऐसे पोर करके आपको नीट व्हिस्की दिया जाएगा 60 ml, और इसको बोलते हैं नीट व्हिस्की। ये देखिए, तो यह है नीट। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है यहाँ पर नीट पीना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए अक्सर आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑन द रॉक्स। तो ऑन द रॉक्स का मतलब क्या है, ये भी बहुत आसान है। एक ग्लास लेना है और उसके बाद इसमें आपको आइस डालना है। याद रखिएगा, आइस ग्लास फुल मत दीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा हूँ कि ग्लास को ज़्यादा करके आइस से भर दिया जाता है, तो इससे व्हिस्की बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ऊपर से व्हिस्की को आपको डाल देना होगा 60 या 30 जो भी आपका ऑर्डर रहेगा। तो ये बन गया आपका ऑन द रॉक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में नीट पीना एक बहुत टफ जॉब है, तो आपका जो व्हिस्की है ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए तो मज़ा आ जाए, बट आपको आइस नहीं चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ मेटल आइस आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। ये देखिए, मैंने मेटल आइस मंगवा के लाया था। अब इसको दे सकता है, ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद आप ऐसे 2 क्यूब आइस डाल के आपका व्हिस्की को ठंडा कर सकते हैं। इसमें व्हिस्की ठंडा तो हो जाएगा बट पानी या आइस नहीं ऐड करेगा, आपको एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मिलेंगे। अब एक बहुत कूल टर्म्स के बारे में जानेंगे। जब भी आप बार में जाते हैं, आप सुने होंगे कि कोई कोई कस्टमर बारटेंडर से व्हिस्की तो मांगा है 60 या 30, साथ साथ बोला है सोडा एट द बैक। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली जब भी आप बोलेंगे सोडा एट द बैक, तब बार्टेंडर क्या करेगा, एक सोडा का बॉटल लेगा, ऐसा कोई डिकेंटर में सोडा डाल के आपको दे देगा, ऐसे व्हिस्की के साथ हो गया एट द बैक। अब आप जितना मर्जी सोडा अपने हाथ से पोर करके बना लीजिए अपना ड्रिंक, बट याद रखिएगा एट द बैक। साथ साथ एट द बैक में आप जूस को भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप माउंटेन ड्यू की भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप पानी को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो खाली इतना याद रखना है कि आपको बोलना है सोडा एट द बैक, जूस एट द बैक, पानी एट द बैक या माउंटेन ड्यू एट द बैक। फ्रेंड्स, पटियाला के बारे में आपने सुना ही होगा, पटियाला पैक, बट अक्सर हम लोगों को मालूम नहीं है कि क्या है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पटियाला। तो जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी 60 ml डाला हुआ है, मैं 30 ml और ऐड करूँगा। अब ये बन गया पटियाला पैक। जी हाँ, इसी को बोलता है पटियाला पैक। मेजर होगा 90 ml। इंटरेस्टिंग है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉट्स। जी हाँ, व्हिस्की शॉट्स। और वो क्या है, सिंपल है, एक ग्लास ले लीजिए, ऐसे शॉट ग्लास, और यहाँ पर पोर कर दीजिए 60 या 30। ये जो है ये 60 ml का ग्लास है, तो ये बन गया व्हिस्की शॉट्स। और इसको कैसे पीना है, डायरेक्ट गल्प करके, मतलब समझ में आ गया आपको कि कैसे पीना है व्हिस्की शॉट्स। अगर फ्रेंड अक्सर आप व्हिस्की का नॉवेल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आपने स्कॉच व्हिस्की के ऊपर ये तो वर्ड सुना ही होगा, ड्रम। जी हाँ, ये जो ड्रम है ये क्या है, सिंपल है यार, एक कोई भी ग्लास ले लो जहाँ पर आपको स्कॉच व्हिस्की डालना है। जी हाँ, स्कॉच व्हिस्की, इट कैन बी 10 ml, इट कैन बी 20 ml, इट कैन बी 60 ml, इट कैन बी 30 ml, जो भी मेजर होगा आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाला, यह है स्कॉच व्हिस्की और ये है ड्रम, ट्रेडिशनल स्कॉच व्हिस्की इन अ ग्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रम। अब लास्ट, और यहाँ पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। अच्छा, अक्सर आप व्हिस्की में थोड़ा बहुत आइस विथ हाफ सोडा एंड हाफ वाटर पीते हैं ना। अच्छा, बार में जाके आप क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते होंगे व्हिस्की दे दो हाफ सोडा एंड हाफ वाटर। नहीं, आगे से बोलना कि मुझे आप नेशनल हाई बॉल दो। जी हाँ, इसी को बोलता है नेशनल हाई बॉल। जी हाँ, 60 ml व्हिस्की जैसे कि ये, और इसमें आपको थोड़ा सा आइस ऐड करना है। तो ये रहा आइस, मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें हाफ सोडा एंड हाफ वाटर देना है, तो मैं सोडा पोर करके रखा था, ये दे दिया मैंने हाफ सोडा एंड देन हाफ वाटर, ये दे दिया, बस। इसी को बोलता है नेशनल हाई बॉल, शायद आप जानते ही नहीं थे। तो ये था छोटा छोटा टर्म्स
जो आप बार में जाके विस्की ऑर्डर करने के टाइम पे बोल सकते हैं, और ये काफी कूल लगता है और आपको ना कुछ मॉडरेट बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।